हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ शैडो फाइट 4 अरीना। तो आज हम लोग का फाइट होने वाला है सबसे मस्त जेट से। भाई ये कैरेक्टर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, पर अभी अपोनेंट में आए तो मेरे को हराना पड़ेगा। देख लो अभी कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और ये भाई मेरे को क्यों लग रहा है कैंपर है, पहले ही मूव में पीछे जा रहा है। इसका जेट का इतना सारा कॉम्बो ऑसम है तभी भाई डर रहा है लड़ने से, जबकि इसका हेल्थ भी ज़्यादा है। पता नहीं किन बंदों का माइंड में क्या क्या चलते रहता है, पर ठीक है यहाँ पर हम उसको हराने का कोशिश करते हैं। इसका कॉम्बो लगना शुरू हुआ मतलब हम लोग ख़त्म। तो उससे बचने के लिए मेरे को ये शैडो मोड बार बार यूज़ करना पड़ेगा, और इसका भी शैडो मोड खुल गया, पता नहीं कौन सा वाला शैडो मोड होगा इसके पास। ओ शेट, जब हम खेले थे जेट के साथ तो मेरे पास तो कुछ और था, पता नहीं उसका शैडो मोड अब यूज़ करने दिए नहीं तो पता नहीं चला। देखो हेल्थ डिफरेंस की वजह से ये जीत जाए वो अलग बात है, पर हम पूरा ट्राई करेंगे उसको हराने का, पूरा मस्त कॉम्बो यूज़ करेंगे। ये इनविंसिबिलिटी का यूज़ बोले ना, एक बार मेरे को साग मिले तो भाई इनविंसिबिलिटी का यूज़ बता दें इन बंदों को। इतना मेरे को इनविंसिबिलिटी का यूज़ करके लोग मारे हैं ना, पूछो मत। और ये लोग शैडो मूव में मारे और ये खत्म हो जाए भाई, ज़्यादा नहीं, एक ऑसम मूव और ये खत्म। यस चलो कोई नहीं, नेक्स्ट राउंड में देखते हैं क्या होता है भाई। वैसे हम लोग आ चुके थे नेक्स्ट राउंड में, तो देखते हैं फिर से कैंपर भाई जेट लेके भी कैंपिंग का शर्म नहीं लगता है इन लोग को भाई। इतना मस्त कॉम्बो, इतना मस्त मूव्स है इसका, हेल्थ भी ज़्यादा है तब भी ये कैंपिंग करने का कोशिश कर रहा भाई। हमको लगा था ऊपर रैंक में जाएंगे तो कैंपर नहीं आएंगे भाई, ये यहाँ तो और ज़्यादा कैंपर का संख्या बढ़ रहा है, पता नहीं आगे जाएंगे तो और क्या होगा। अभी तो सिर्फ टॉप 50 में पहुँचे तो ये हालत है। देख लो देख लो, खाली पुश बैक, खाली पीछे डाला हुआ बंदा, डो आगे बढ़ के अटैक नहीं कर सकता। कुछ ऑसम कॉम्बो का यहाँ पर प्रदर्शन होते हुए जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। फिलहाल यहाँ पर गेम हलाक किया, डिवाइस को सकते हैं, नेटवर्क इशू हो सकती है, कुछ भी पता नहीं। और यहाँ पर ये मूव पड़ा भाई, ये मेरे पता ही था, पटक दिया भाई, पटक दिया। और ये दोबारा कॉम्बो लगाने का कोशिश, और मेरा शैडो मूव आ गया, बच गए भाई। ये कॉम्बो लगता तो हम लोग ख़त्म थे, कितना कम मूव है, कितना कम हेल्थ है मेरा, देखो उससे तो कम ही है। और ये उठा के पटका और फिर ये नहीं चला कॉम्बो, मेरे को पता था। आह शिट ब्रो, कॉम्बो का बीच में इंटरप्ट हो गया क्या? ओ भाई 220, ओ भाई हैवी अटैक हो गया जबका भाई, 222 का दिया एक बार में डैमेज, कते जहर भाई। सो गाइस इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट मैच की तरफ जो है प्रियांशु से, देखते हैं ये शैंग लेके आया है क्या करता है भाई। 12 लेवल 6 लेवल का, और ये यहाँ पे बस मेरे को उसका लगातार कॉम्बो से बचना पड़ेगा नहीं तो खतरनाक। ओ भाई कितना जल्दी इसका बढ़ रहा है, देखो हम तो भूल गए थे यार, कॉम्बो मेरे को लगातार चालू हो गया और इससे बचने बहुत ज़्यादा हेल्थ आता अगर हम। ओ बच गए एरो से भी, मेरे को लगा ही था एरो इसके पास लास्ट वाला बचा होगा। फिलहाल के लिए स्टार्टिंग हो चुका है अपना इसको डैमेज देने का। और या आ जा बेटा शैडो मूव ऑन होते हुए मेरे को रोक नहीं पाओगे तुम लोग। और ये कोना में फंस चुका, अच्छा 2-3 कॉम्बो मारे पर यहाँ से फिर से इसका तीर भाई बहुत गंदा। ये देखो ये कॉम्बो सब चुपता है भाई, बहुत गंदा चुपता है लगातार जो मारता है ना। और देखो इसका शैडो मूव एक गेम में 3 से 4 बार आ जाएगा भाई, अभी भी देखो चारों मूव लपेट सकता है शैडो मूव में भाई। हेल्थ देखो भाई इतना कम है, तो बस कोई ऑप्शन नहीं है इनविंसिबिलिटी वाला यूज़ करने के बाद भाई। हार गया, दो मूव लगा मेरे को इसको लास्ट में हराने के लिए, सही डैमेज था भाई, साग का बहुत मस्त डैमेज है वैसे। देखते हैं सेकेंड राउंड में क्या होता है भाई, एक राउंड में दो बार शैडो मूव ये यूज़ कर लिया भाई साहब, वो भी चारों। आ जा भाई सेकेंड राउंड भी लड़ लेते हैं। देखो कैंपर को देखो भाई, बस तुम रुका हुआ है बंदा अपना शैडो मूव भरने के लिए, खाली शैडो मूव करके हराएंगे भाई साहब, कितना गंदा बेटा, तेरे को करने नहीं देंगे, मेरा भी शैडो मूव तेरे को मार मार के हम फूल करेंगे और तबाही मनाएंगे ब्रो, क्या सोचता अपने आपको तुम। खाली शैडो मूव करेगा ये देखो, तो पता ही ये प्लानिंग ही कर रहा, खाली शैडो मूव करेंगे भाई, खड़े खड़े शैडो मूव भरता है और इसी का ये वेट कर रहा था। और ये लगाया रो, अब ये जूसी कॉम्बो लगेगा इसका, अच्छा खासा डैमेज है जिसका, 62 करके 4 बार डैमेज लगता है भाई, सोच लो कितना डैमेज है। एक्टिवेट हो सकेंगे नहीं, खड़ा होके खड़ाएंगे अपना शैडो में। ये इन कैरेक्टर लग से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, एक तो 4 का 4 कॉम्बो मतलब 4 का 4 शैडो मूव है इसके पास, ऊपर से खड़े खड़े इसका शैडो मूव का वो भी बढ़ता रहता है, गुस्सा नहीं लगेगा किसी बंदे को।
ठीक है बेटा, हमें तुमको हराएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो जितना चालाकी निकाल सकते हो अपने कैरेक्टर को लेके कर लो, पर हारोगे तो तुम ही बेटा। चलो इसी के साथ ये भी हार गया गाइस, मौसम ऐसा। पर सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट मैच में लिंक के साथ, और अब देखो भाई नीचे लेवल के लिंक और ऊपर लेवल के लिंक में क्या डिफरेंस होते हैं, और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ये वाला मैच में लिंक कितना अच्छा तरीका से कैंपर लोग यूज़ करते हैं। इन देख लो, खड़े रहो भाई, हम भी खड़े हैं, और इसको मजबूरी में आगे आके अटैक करना पड़ा क्योंकि मेरा एक अटैक लग गया था। और यहाँ पर देखो भाई कितना कैप्स की नॉर्मल ढूंढ रहा भाई, मेरे को पता नहीं वो बंदा कैसे खेल रहा है। किलर गॉड भाई सही है, बहुत देर तक लिंक से खेला है, मतलब बहुत ज़्यादा ही समय तक लिंक से खेला है। देख रहे हो लिंक के साथ ऐसा स्लैशिंग स्ट्राइक और साख के अगेंस्ट मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को पता है क्योंकि हम बहुत लिंक से खेले हैं और अगेंस्ट साख का भी खेले और ऐसा कैरेक्टर खेले जो इनविजिबल है। देखो ये सब होता है ना, लिंक वाले प्लेयर का दिल टूट जाता है भाई, क्योंकि अल्ट में भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका अल्ट काम ही नहीं करेगा भाई। तो मेरा भी दिमाग ख़राब होता था, पर इसने बहुत अच्छा ट्राई किया तो कैंपर कैंपिंग करके भी पर हरा नहीं पाया बेचारा। ठीक है, अगर वही इसके जगह ऐसा कैरेक्टर रहता जो खड़े खड़े इसका शैडो मूव बढ़ जाए लिंक का भी, तो और भारी पड़ सकता था लिंक हमारे ऊपर, पर ठीक है ऐसा नहीं है तो हमने इसको आराम से लपेट दिया। देखते हैं सेकेंड राउंड में क्या करता है बेटा, सेकेंड राउंड में पक्का ये खुलने से मारना आएगा मेरे को। और यहाँ पर पहला थ्रोएबल लगा और आके ग्रैब करेगा और पटक दिया, ज़्यादा ही क्लोज आने का यही दिक्कत होता है। और लिंक का यही फायदा है, तलवार से नीचे भी गंदा अटैक कर सकता है, स्लैशिंग स्ट्राइक लगा भाई, अभी गैप कैसे ढूंढ रहा पता नहीं भाई, हम तो ब्लॉक कर रहे हुए तभी ये मारे जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। और लो एक ग्रैब लगा मेरा, अब बेटा तुमको भी पड़ेगा वैसे जैसे तुम मेरे को नीचे वाला अटैक मारे थे, अब लोग भाई भी पे कर गए हम पूरा। और यहाँ पर कनेक्शन एरर आ रहा है भाई थोड़ा, पता नहीं मेरा है कि उसका है, पर यहाँ पर गेम पॉज हो चुका है, अब आएगा गेम पॉज टू प्लेयर कनेक्शन एरर। चल ठीक है, मेरा नेटवर्क तो ठीक है, पता नहीं उसी का होगा कुछ दिक्कत, पर यहाँ पर शेट यार रोल बैक करना था मेरे को गलती से, और भाई स्लैशिंग स्ट्राइक करके 200 HP छोड़ा है बंदा बस, और इसका 600 HP है, देखो कौन जीतेगा भाई, डर लग रहा है लास्ट वाला मोमेंट। ओ शेट भाई 60 खत्म भाई, 8 HP बचा था ब्रो, वन ऑन वन हो चुका भाई। देखा मैंने कहा था ना लिंक के साथ टाइमिंग और कैंपिंग करके कितना गंदा यूज़ कर सकता है लिंक को कैंपर लोग भी, और आगे लेवल जाएंगे तो और भी ऐसे वीडियो देखने आपको मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिलहाल के लिए इसको नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, लपेटते हैं, बताते हैं लिंक के साथ, तुम कितना भी पुश कर लो भाई, सुपीरियर बॉस हमेशा बॉस होता है ब्रो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन एरर होते हुए गाइस, पर ठीक है यहाँ पर देख लो कैंपिंग, इसको पता है मेरे को हम पीछे टान के यूज़ करेंगे, तो कैंपिंग का पूरा फून इस्तेमाल करते हुए भाई कैंपिंग करते हुए, ये मेरे को सीखना है भाई लिंक के साथ कैसे इतना मस्त गैप ढूंढता है, हम तो कर ही नहीं पाते भाई साग के साथ, ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है ये, जो फर्स्ट राउंड से गैप ढूंढ रहा ना मेरा मुंह के बीच में, खतई जहर ये वाला भी लगता है मेरे को खतई जहर अगर हम अल्ट अपना लगाते अभी तो। पर यहाँ पर लो ये वाला हम हैवी करेंगे, हैवी करना था मेरे को, पर सोचे इनविंसिबिलिटी के साथ चाय, और यहाँ पर हम गलती करती है, अभी स्लैशिंग स्ट्राइक मारेंगे मेरे को पता था, और मेरा अल्ट सही समय पे आया, और ये पड़ा इसमें एक हैवी। ओ भाई काम क्यों नहीं किया बटन भाई, नीचे वाला स्लैशिंग स्ट्राइक मेरे को मारना था, और ये गाइस ख़त्म भाई, सेकेंड राउंड में ये जीता, थर्ड राउंड में जीत चुके हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं सबसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।